वहीं रीवा जिले में सिमरिया में चौरसिया समाज ने पवई में हुई चौरसिया परिवार के साथ हुई बर्बरता को लेकर समाज के लोगों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं ज्ञापन लेते हुए तहसीलदार ने कहा कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। इस क्रम में चौरसिया समाज के सरपंच अरुण चौरसिया ने भी इस घटना की निंदा करते हुए तहसीलदार से तुरंत कार्यवाही की मांग की। सिमरिया से संवाददाता धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। कार्रवाई होना चाहिए और होगी ही, क्योंकि ये शासकीय कर्मचारियों को किसी भी इस प्रकार की कार्रवाई करने के पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों सब कुछ सोचना चाहिए। और हम आपने जो हमें ज्ञापन दिया है इस घटना के खिलाफ में, इसके लिए हम कलेक्टर महोदय को लिखेंगे इसके बारे में। आज मैं व्यक्ति ताने बाने से जुड़ा हुआ होता है, वो निश्चित तौर पर ये जो पवई में घटना हुई है, पुलिस का ये बर्बरतापूर्ण रवैया, किसी के घर में घुसकर तीन तीन चार चार गाड़ियों के साथ जाकर और एक प्रतिष्ठित परिवार के घर में मारपीट करना, जहां महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, पीड़ित परिवार की जिस तरीके से घटना हुई है, खासतौर पर वो गाँव की बेटी हमारी उस परिवार में ब्याही हुई है, तो इस प्रकार का कृत्य खासकर हमारे शासन और हमारी सरकार में, सुशासन की सरकार है, इस प्रकार की किसी प्रकार का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों की मांग है कि संबंधित जो भी पुलिस इसमें रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, FIR होना चाहिए। आप भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर इसीलिए पूरा प्रदेश में इस प्रकार का ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। 22 मार्च को रात्रि 12 बजे जबराना पुलिस द्वारा चौरसिया परिवार के यहाँ घर में घुसकर मारपीट की गई और उसके पर्यंत उल्ट के उनके ऊपर केस बना दिया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, उनने जो जबराना यहाँ मारपीट की है तो उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और पुलिस प्रशासन की ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी।